परसों रात की घटना है। मुझे अचानक से सांस लेने में दिक्कत होने लगी, वो एक इंजेक्शन पड़ा, उसके बाद कुछ मेडिसिन वगैरह मुझे मिला, उसको लेने के बाद एक दो घंटा मैं रुकी हॉस्पिटल में, फिर घर आ गई। सो गाइस, आज मम्मी गई थी हॉस्पिटल बिकॉज शी हैड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। तो उनके प्लेटलेट 79 थे, इनको डॉक्टर के पास मम्मी को लेके गया था। रात के 11 बज रहे थे एंड वी वर बोथ स्केर्ड, मी एंड आराध्या, क्योंकि हम दोनों घर पर अकेले थे। सो या इट वाज इट। तो अभी मैं दूध में ये मोदी केयर का न्यूट्रिशन ऑल प्लांट्स प्रोटीन डालने वाली हूँ, जो कि ग्रीन इन कलर है, फिर मम्मी को मैं दूंगी। इसे मिल्क में डालना होता है एंड अभी ये अनपैक्ड है, आई मीन सील्ड है, तो अभी से तो गाइस, आज मम्मी है बीमार, मतलब पहले से बीमार थी, मतलब मम्मी बीमार थी इसलिए व्लॉग नहीं बना पाई, तो इसलिए मैं बना रही हूँ व्लॉग अभी। तो गाइस, मम्मी बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको पता ही होगा, और मम्मी तो सारा घर का काम करती है इसलिए, और डॉक्टर ने बोला है मम्मी को ज़्यादा है ना काम भी नहीं करना है। कल से मैं बेटर लग रही हूँ, और कल नहीं परसों रात की घटना है। मुझे अचानक से सांस लेने में दिक्कत होने लगी, रात के 10:30 बज रहे थे। मैं सोची कि अब सो जाती हूँ, तो सोने जैसे ही गई तो अचानक से सांस लेने में दिक्कत होने लगा, तो मैं तुरंत उठ के बैठ गई। अचानक से ऐसा शरीर में झटका लगा, शरीर में कुछ हो गया है, और लंबा अनुलोम विलोम करने लगी, फिर भी मतलब सांस अंदर जा ही नहीं रहा था, लग रहा था कि सांस इस जगह अटक गया है। उसके बाद मैं अपने पति को आवाज़ दी, ये दूसरे कमरे में थे, तो जल्दी जल्दी इन्होंने पीठ को ऐसे पीठ को पूरा ससारा सहलाया, लेकिन सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तब फिर मैं घर के आगे गेट खोल के सोची कि बाहर से अच्छा हवा आता है, तो जाके कुर्सी पर बैठ गई कि थोड़ा ऑक्सीजन लूँगी शुद्ध वाला तो सही रहेगा, लेकिन सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था। मेरा मन पूरा विचलित होने लगा, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं बच नहीं पाऊँगी, कुछ नहीं दिख रहा था हमारे सामने, एकदम बिल्कुल अंधेरा अंधेरा लग रहा था। मेरा मतलब मन पूरा एकदम सांस पर ही अटका हुआ था, ना सांस अंदर जा रहा था, ना बाहर निकल रहा था, ना छोड़ पा रहे थे, तो मुंह से सांस लेना पड़ रहा था, वो भी अंदर नहीं जा रहा था। तब अचानक से याद आया अमृत शक्ति का टैबलेट, थैंक गॉड, थैंक यू मैम मोदी केयर, जो मैंने कुछ दिन पहले मोदी केयर से जुड़ी, तो अच्छा रहा मेरे लिए, मेरा नया जीवन मिल गया है मोदी केयर के थ्रू। उस दवाई को मैंने पिंच करके और उसको मैं सूंघी, जैसे ही उसको स्मेल ले रही थी उसका, तब जाके मुझे सांस लेने में थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तब मेरे हस्बैंड ने ऑटो किया, ऑटो करके डॉक्टर के पास ले, मेरे घर के जो नियरेस्ट क्लिनिक थे तो वहाँ पे जब मैं गई तो वो भी बंद था। उसके बाद फिर मैं एक दो और जगह गई, फिर तब जाके वहाँ भी बंद ही मिला, तो फाइनली हमारे जो आसपास में सबसे अच्छे हॉस्पिटल हैं, तब मैं वहाँ पहुँची। तो रात का टाइम था, तो डॉक्टर साहब ऑफ टाइम में थे, तो कुछ देर के बाद नीचे आए, करीब 1.25 घंटा के लगभग, तो मेरा उन्होंने थोड़ा चेकअप किया और नॉर्मल उन्होंने दवाई लिख दिया। लेकिन गाइस, मैं आपको बता दूँ, मैं सांस लेने के लिए मुझे लग रहा था कि मैं किसी से भीख मांग लूँ, ऐसा लग रहा था, और ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रहा था, मैं पूरा एकदम बेचैन थी हॉस्पिटल में, बार बार मुझे प्यास लग रहा था, थोड़ा सा पानी पीती थी और बार बार वॉशरूम जाती थी। उस रात जो ऐसा मेरे साथ हादसा हुआ उसको मैं कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मौत जो है मेरे सामने से हो के गुजर रहा,
लग रहा था कि उस दिन मेरा मतलब शरीर से प्राण ही निकल गया हो, क्योंकि सांस लेने में काफ़ी तकलीफ है। अभी तो मैं आप लोगों से अच्छे से बात कर रही हूँ, लेकिन उस दिन की रात मेरे लिए काफ़ी खतरनाक वाली रात थी, एकदम बेकार रात। तो वही है कि शरीर का कोई ठिकाना नहीं रहता है, कभी कुछ भी हो सकता है। और जब मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब चेकअप किए, मेडिसिन दिए, उसके बाद फिर लेके कुछ देर रुकी रही, लेकिन जो मेरा सबसे जो मेरा जो जान बचाया, क्योंकि मैं बार बार ऑक्सीजन का ही डिमांड कर रही थी, वही अमृत शक्ति वाली टैबलेट थी, उसको मैं होल करके और उसको मैं बार बार सूंघ रही थी, जिससे मेरा सांस नली में सांस ले पा रही थी। मुझे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हुई। मुझे वो दिन याद आ रहा था जब कोविड जिस टाइम में हुआ था, उस साल ऐसा प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा होगा, ऑक्सीजन वाला सिलेंडर, तो ऐसे ही मरता होगा। क्योंकि आज मुझे पता चला कि सांस नहीं ले पाता है तो कितना जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि किसी से भीख मांग ले कि सांस मुझे दे, एकदम हॉस्पिटल में पूरा मन बेचैन था सांस के लिए। उसके बाद वो एक इंजेक्शन पड़ा, उसके बाद कुछ मेडिसिन वगैरह मुझे मिला, उसको लेने के बाद एक दो घंटा मैं रुकी हॉस्पिटल में, फिर घर आ गई। लेकिन सांस लेने में गाइस फिर भी दिक्कत हो रही थी, तो फिर मैं जाके वही अमृत शक्ति वटी को गर्म पानी में डाल के दो तीन बार स्टीम लिया, थोड़ा देर 5 मिनट या 10 मिनट लेटती थी, बस सांस अटकने लगता था, बार बार उठ के मैं बैठ जाती थी। फिर वैसे ही भाप ले लेके रात को बिताया। फिर जब सुबह हुआ, मतलब 2-3 घंटा मैं सोई भी, 7 बजे फिर जगी नेक्स्ट डे। उसके बाद फिर सुबह फिर वैसा ही दिक्कत होने लगा, मुझे अंदर से रोना भी आ रहा था, लग रहा था कि मैं बच पाऊँगी कि नहीं, काफ़ी मैं टेंशन में जी रही थी लग रहा था। और चेस्ट में ऐसा लग रहा था कि पेन पूरा जकड़ लिया हो, यहाँ ऐसे लग रहा था कि कुछ चुभ रहा है, चुभन वाला दर्द हो रहा था, और पीठ में भी दर्द हो रहा था और चेस्ट में भी हो रहा था। अचानक से ऐसे कैसे हो गया समझ में नहीं आता। फिर जब दूसरे दिन फिर गए तो फिर डॉक्टर साहब फिर आने में लेट किया, क्योंकि थर्सडे था और वहाँ गायत्री हवन भी होता है, तो पूजा पाठ होने के बाद थोड़ा लेट में सर चेकअप किए, तो फिर कुछ टेस्ट वगैरह लिखे, तो टेस्ट में पता चला कि हीमोग्लोबिन कम हो गया है, प्लेटलेट्स डाउन हो गया, शुगर भी कम हो गया, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होता है। और ये बात मुझे पहले नहीं पता था कि प्लेटलेट्स डाउन होने के कारण भी सांस में काफ़ी दिक्कत आती है। तो काफ़ी उस दिन से मेरे जीवन में कुछ स्ट्रेस वाले टाइम गुजर रहे थे, जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है। तो गाइज अब मैं अपना सेहत का ध्यान रखूँगी, क्योंकि स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता है। मैं देख ली अपने सेहत को लेके कि मैं काफ़ी स्ट्रेस लेते रहती थी, लेकिन अब मैं ऐसा गलती नहीं करूँगी, क्योंकि उस दिन मेरे नज़रों के सामने मेरा मौत घूम रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम बच नहीं पाएंगे, कुछ नहीं दिख रहा था। सांस आदमी जब नहीं ले पाता है तो समझ में आता है कितना मुश्किल है जीवन। तो अब मैं अपना ख्याल रखूँगी, और आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करिए, लाइक कमेंट्स अच्छे अच्छे करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्वास्थ्य को इग्नोर नहीं करिएगा, अपना स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि मैं थोड़ी लापरवाह भी रही अपने हेल्थ को लेके, जिसके कारण मेरे साथ ऐसा घटना घटा। तो आप लोग अपना हेल्थ पर ज़रूर ध्यान दीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।